5 तारीख को वोट पड़ेंगे, हरियाणा का चुनाव होगा, लेकिन सारा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि हरियाणा में क्या होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब ये ऐसे प्रदेश है जो किसान की आवाज कहलाते हैं, मजदूर की आवाज कहलाते हैं। जब ये काले कानून आए तीन किसानों के, अगर किसी ने सरकार को मजबूर किया वापस देने के लिए तो यहां किसानों ने किया। 750 किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी और वो एक साल के बाद वापस लेने पड़ेगा। आज समय है 2005 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार रही, उसके बाद ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार रही, तोड़ के देखा है लोगों ने। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी अपनी, तो उस समय हरियाणा में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर एक था। और आज 10 साल के बाद कहां है हम? आज बेरोजगारी भी नंबर एक, भ्रष्टाचार में, अपराध में, तो केंद्र सरकार की जो गृह मंत्री की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है वो कहते हैं हरियाणा असुरक्षित है, तब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और नौकरी देने में तो जो है ये ऐसी परिस्थिति कर दी, रोजगार कौशल निगम चला दिया, कच्ची नौकरी देते हैं, जिनको तनख्वाह बहुत अच्छी मिलनी चाहिए उनको कम तनख्वाह देते हैं, और ना उसकी पेंशन ना और कोई पक्की नौकरी। और उसका नतीजा ये हुआ आज हरियाणा में 2,00,000 पक्की नौकरियां खाली हैं, नौकरियां नहीं दी इन्होंने। ये परिस्थिति हो गई हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, स्कूल ही बंद कर दिए 5,000 इन्होंने। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा बहुत पिछड़ गया। मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा गांव है आपका भाई, इस प्रस्ताव में कोई सारे गांव का कोई काम हुआ? वोट मांगने भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कल 7 गारंटी दी है, सब बता देंगे ये हमारे उम्मीदवार। पेंशन बुजुर्ग क्योंकि हम 6,000 करेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, गरीब आदमी के लिए जो है 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, ये बहुत सारे काम जो हमने, अब 2,00,000 पक्की नौकरी देंगे अपने बच्चों को। में एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे ताकि यहाँ की इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए, बच्चों को नौकरियां जो आगे फ्यूचर बने। तो ये रहा आपके सामने, मैं तो आपसे यही कहने आया हूँ कि 36 बरादरी में, सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, 36 बरादरी ये मन बना चुकी है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा उम्मीदवार सचिन कुंडुरा भाई और कोई नहीं है, कोई गुमराह मत होना। कुछ आदमी है जो एक एक वोट सचिन कुंडू को देंगे तो भाई आपकी कम, कोई आदमी आपको गुमराह करने की कोशिश करे कोई नहीं, हमारा वही है जो हमारे साथ है, जो सचिन कुंडू के साथ है वही हमारे। तो आपसे ही मैं कहने आया कि भाई ये जो मैंने बातें बताई कब होगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब भी बनेंगे ना, कांग्रेस सरकार को बनेगी तब यहां से विधायक बनेगा, विधायक ही बनाते हैं ना। तो भाई इसको बनाओ, एक काम तुम मेरे से कहने कर दो, दूसरा काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से क्या करोगे? मेरे कहने से करो, यहां से सचिन कुंडू को भारी बहुमत से जिता भेज दो। और मैं थारे कहने से क्या करूंगा? थारी सरकार बना दूंगा मैं।